हाय, हम बात करने वाले आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, सबसे पहली बात कि ये रिप्रेजेंट करेगी एक पॉइंट पॉइंट। अच्छा, ये आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। तो जस्ट हम लोग इसको बना लेते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि x और y दोनों जो है वो पॉजिटिव है। बोले तो x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और y भी ग्रेटर देन जीरो है। तो ये कहीं पॉइंट यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा x कॉमा वाई, जिसको हम लोग z नाम दे देते हैं। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं तो ये जो लेंथ है ये हमारी मोड z होती है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम z जो ये पॉइंट है इससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन x एक्सिस तो ये कुछ ऐसे होएगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं ए, इसको ओरिजिन को नाम दे देते हैं ओ। तो अब जो ये आर्ग्यूमेंट होता है ये और कुछ नहीं, बस ये जो ओरिजिन से z को मिलाने पे ये जो लाइन बनी है ये वाली OZ, इसका x एक्सिस के साथ में एंगल कितना है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में एंगल कितना है, उस एंगल की वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट ये थीटा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको थीटा से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले, ट्राइंगल ओ जेड और ए, तो हमारे पास में ये ट्राइंगल कुछ ऐसा होएगा ओ जेड और ए, ये हमारा ओ होगा और ये ए होगा, ये जेड होगा और ये वाले इसके पॉइंट्स होंगे एक्स कॉमा वाई। जो ओ ए लेंथ है वो हमारी हो जाएगी एक्स, और जो ये ओ सॉरी ए और जेड के बीच की जो लेंथ है ये हमारी हो जाएगी वाई। और ये अगर एंगल थीटा है तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख पाएंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होएगा। सो थीटा विल बिकम टेन इनवर्स टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब ये जो थीटा की वैल्यू है ये आपकी, अगर हम लोग इसको रोटेट कर ले 2 पाई से तो ये फिर ऐसे वापस यहाँ पे आके मिलेगी, मतलब अगर हम लोग इसमें 2n पाई ऐड करते जाए, सो थीटा प्लस 2n पाई ये हम लोग करते जाए तो ये बार बार रिपीट होगा, पीरियड देता है। सो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, जब ये बार बार रिपीट होती है, जैसे थीटा हो गई 2 पाई प्लस थीटा हो गया, 4 पाई प्लस थीटा हो गया, तो ये जो वैल्यूज होती है इनको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। और अगर हम लोग सिर्फ थीटा लेके चले, थीटा जो वैल्यू आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स से, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और ये जो थीटा है जो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। फर्क सिर्फ इतना है एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट में कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पीरियोडिक टाइप का होता है, वो रिपीट करता जाता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। जस्ट थीटा को आप लोग कैलकुलेट कर लो तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने सिर्फ बात की है कि जो z जो है हमारा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, x और y जहां पे दोनों पॉजिटिव है। तो अगर हमारा ये जो थीटा है वो अगर सॉरी z जो है वो हमारा ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया तो हम लोग ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर बोले तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जरा देखते हैं, जैसे ये थीटा z जो है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसके लिए कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये होता है कि आप जो थीटा जो है वो कैलकुलेट कर दो, उसको आप लोग टेन इनवर्स मोड y बाई
एक्स कर दो, दोनों का मोड ले लो, मोड वाई अपॉन मोड एक्स। सो यहाँ से हमें थीटा मिलेगा, थीटा ये भी हो सकता है, ठीक है, और थीटा जो है वो ये भी हो सकता है, पर हमें जो आर्ग्यूमेंट चाहिए वो बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में चाहिए। तो ये पूरा एंगल जो है, एक बार इसको यहाँ पे समझाते हैं, तो ये जो पूरा एंगल है ये एंगल होएगा 180 का, सो इसको मैं पाई बोल देता हूँ, और ये जो एंगल है ये होएगा थीटा का, सो पाई माइनस थीटा जो है वो वाला ये वाला एंगल हो जाएगा। सो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है, या फिर बोले तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वो हो जाती है पाई माइनस थीटा। अच्छा, अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, अगर हमारा जेड जो है वो ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, कहीं यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है वो होती है माइनस पाई प्लस थीटा। ये वाला जो एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट वाला जो एंगल है उसका जस्ट नेगेटिव नीचे होएगा। अच्छा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो अगर जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो इसकी जस्ट वैल्यू हो जाती है फर्स्ट जो क्वाड्रेंट का एंगल रहता है थीटा उसके नेगेटिव पोर्शन के, सो नेगेटिव थीटा। तो हमारे पास में आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले आप लोग देखो जेड जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो सबसे पहले जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये देखो, जेड लाइज इन विच क्वाड्रेंट। सबसे पहले ये देखो। अच्छा, ये पता चलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर जेड जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया तो हम लोग सिंपली थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मोड y अपॉन x कर लेंगे, मोड y बाई x कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास में जस्ट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और अगर z जो है वो बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स मोड y बाई x, यहाँ पे मोड y बाई x है, ठीक है, ये y ये मोड x सेकेंड क्वाड्रेंट के। अच्छा, ऐसे ही अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड वाई बाई एक्स मोड एक्स, ठीक है। वैसे ही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया तो जस्ट माइनस का थीटा हो जाएगा, बोले तो माइनस का टेन इनवर्स मोड वाई बाई एक्स। इसको आप लोग सिंपली ऐसे कैलकुलेट करोगे। सो जस्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो, z इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करना हो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इनके लिए अगर हमें एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो जस्ट पहला मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 2 प्लस टू रूट थ्री आई, और सेकेंड एग्जांपल ले लेता हूँ रूट थ्री माइनस वन सॉरी माइनस आई, ठीक है। फिर सी टाइप का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस वन माइनस आई। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में जेड लाई कर रहा है वो देखना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहला दोनों पॉजिटिव एक्स और वाई, मतलब रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव, तो ये जस्ट लाई करेगा ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके लिए सिर्फ थीटा आप लोग कैलकुलेट कर लो, वही आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स करना है, सो टू रूट थ्री अपॉन टू, बोले तो रूट थ्री। सो टेन रूट थ्री जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई थ्री की। इसके लिए आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड आ जाएगा पाई बाई थ्री। एंड जस्ट सेकेंड वाले को चेक करते हैं, इसमें एक्स जो है वो पॉजिटिव है एंड वाई जो है वो नेगेटिव है, सो ये जस्ट चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो पॉजिटिव रहता है एंड वाई जो है वो नेगेटिव रहता है। सो उसके लिए हमारे पास में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस टेन इनवर्स y बाई एक्स, बट दोनों मोड के साथ, ठीक। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो माइनस का टेन इनवर्स
वन अपॉन रूट थ्री, तो वन अपॉन रूट थ्री जो होता है वो पाई बाई सिक्स होता है, तो इसके लिए आ जाएगा माइनस का पाई बाई सिक्स। अच्छा, अगर दोनों नेगेटिव हो, अगर रियल पार्ट भी नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव हो, तो इस केस में ये हमारा चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है माइनस पाई प्लस थीटा। सो यहां से हम लोग करेंगे माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड वाई बाई एक्स, तो यहां से हमारे पास में निकल के आएगा प्लस टेन इनवर्स वन, वन बोले तो पाई बाई फोर, सो माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर बोले तो माइनस थ्री पाई बाई, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आएगा। जस्ट हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा जो एम्पलीट्यूड रहता है उसको, कुछ और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। सो पहली बात की है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पीरियोडिक टाइप का होता है, जो आर्ग्यूमेंट रहता है वो पीरियोडिक टाइप का रहता है, आर्ग्यूमेंट्स पीरियोडिक टाइप का रहता है। एंड सेकेंड बात कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अच्छा, सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये आर्ग्यूमेंट होगा मतलब जैसे ये एम्पलीट्यूड होगा, तो इसमें हम लोग बात करें कि जो इसकी वैल्यूज है वो कहां से कहां तक जाएगी। सो पहले ये जीरो से स्टार्ट होके माइनस पाई, ठीक है, और सॉरी ये जीरो से यहां से स्टार्ट होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कोई नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यहां पे लाई कर रहा है सो जस्ट उसका आर्ग्यूमेंट जीरो होगा, जीरो से लेके यहां पे पाई, एंड यहां से लेके ये पाई तक। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस पाई से लेके पाई तक इसकी जो रेंज है वो रहती है इसकी एम्पलीट्यूड की। सो एम्पलीट्यूड बिलोंग्स माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई जो है वो ओपन रहेगा क्योंकि अगर यहां पे कोई नंबर आएगा तो उसको हम लोग जस्ट पाई बोलेंगे, नीचे से नहीं लेंगे, ये जो है ये एंगल नहीं मापेंगे, तो जस्ट ऊपर वाला एंगल मापेंगे, तो उसको हम लोग पाई बोलेंगे। ये तीसरी चीज हो गई। एंड फोर्थ थिंग, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे फर्स्ट में मान लेता हूं जेड वन, इसके लिए ए वन प्लस आयोटा बी वन, ठीक है, और सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं मान लेता हूं जेड टू, इसको मैं मान लेता हूं ए टू प्लस आयोटा बी टू। अच्छा, अगर जेड वन का आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए आर जी, ये जो लिखा जाता है ए आर जी ओ जेड, ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर इसका मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन अगर थीटा वन बोलता हूं, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू इसको मैं अगर थीटा टू बोलता हूं, तो अगर हम लोग देखें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2 जो है वो क्या आएगा, सो जस्ट इसके लिए हम लोग सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इनका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करवा के अलग से आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर लेते कर सकते हैं, बट जो ये जो आर्ग्यूमेंट आता है ये अपना आता है ऐसा, इसको आप लोग प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी लिख सकते हो। अगर ऐसे Z1 into Z2 into Z3 into Z4 ऐसे Zn तक है, और इन सभी का आर्ग्यूमेंट आपको कैलकुलेट करना है, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आर्ग्यूमेंट जो है जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना कि लॉग, अगर लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट में दो चीजें आ जाए, जैसे ये हमारा लॉग है और ये हमारा बेस रहता है और यहाँ पे जो हम नंबर डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट अलग है और ये वाला आर्ग्यूमेंट अलग है, इन दोनों को अलग अलग समझना।
एक जैसा मत समझ लेना। तो ये जो आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे ए क्रॉस बी होता है, सॉरी ए इंटू बी होता है, ऐसे अगर दो नंबर्स आ जाते हैं तो ये टूट के ऐसा बन जाता है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब ये जो आर्ग्यूमेंट रहता है ये अलग रहता है, इसको आप लोग इसके साथ में मिक्सअप मत कर लेना क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो ये ऐसे टूटता है वैसे ही, एक बार मेरे को ये मिटाने दे दो। पेन का कलर भी चेंज कर ले, व्हाइट कर ले, मजा आएगा। अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा था कि लॉग के अंदर जो a इंटू बी होता है वो a प्लस बी में टूट जाता है ना, लॉग a प्लस लॉग b में, वैसे ही हमारा आर्ग्यूमेंट ही काम करता है। मतलब तो अगर बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लीकेशन में हो, उनका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना हो, तो ये इंडिविजुअल टूट जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 डैश 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 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ zn में ये टूट जाता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं आगे थोड़ा प्रूफ करवाऊंगा कि ये कैसे टूटता है। इसके लिए हमारे पास में अलग से एक फॉर्म आती है, यूलर फॉर्म, तो उसको एक बार करेंगे तो उससे ये इजीली, मतलब इजीली हम लोग इसको कर पाएंगे प्रूफ। बट यहाँ पे अगर हम लोग करने जाएंगे थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, सो मैं वहां पे करवा लूंगा। अच्छा, अगर ऐसे दो क्वांटिटीज जो है वो अगर ऐसे डिवीजन में हो, z1 अपॉन z2, और इनका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? इसके लिए सेम जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती ना कि लॉग a1 a अपॉन b, तो वो टूट जाता है लॉग a माइनस b में, तो वैसे ही आर्ग्यूमेंट टूट जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, ये जस्ट दो अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी, इसको आप लोग याद कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट थिंग की हम लोग अगर बात करें आर्ग्यूमेंट के बारे में, अच्छा अगर हम लोग बात करें कि z जो है उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा है, देन अगर हम लोग बात करें कि z बार का जो है आर्ग्यूमेंट वो क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार जो है वो क्या होगा, इसके लिए भी चलो एक बार बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग z को ऐसे अज्यूम करें कि z जो है वो यहां पे आएगा x कॉमा y पे, ठीक है, अच्छा ये यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो z जो बार है वो ऐसा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये यहां पे आएगा, ये अगर z है तो ये z बार आएगा। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले कि आप लोग z जो है उसको हम लोग ये मान ले कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो z बार जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसका अगर आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो जैसे अगर यहां पे थीटा दे रखा है, तो इसका जस्ट माइनस का थीटा हो जाएगा। सो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है अगर थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जो है वो माइनस का थीटा हो जाएगा, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आया जेड, तो ये आ जाएगा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। So, अगर इसमें यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, जस्ट इसका नेगेटिव, तो ये भी हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर हम लोग आगे एक बात करें कि जैसे हम लोगों के पास में ऐसे एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स जो है सेंटर के, वो मैं मान लेता हूँ 1,0, और इसकी रेडियस जो है वो भी मैं मान लेता हूँ 1, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सर्कल पे वो पॉइंट कैलकुलेट करना है
जिसके लिए अगर इसको इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे, मतलब सर्कल पे वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसको इस ओरिजिन से मिलाएंगे, तो ये जो थीटा है आर्ग्यूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मिनिमम होना चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस पे वो पॉइंट फाइंड करो जिसको हम लोग ओरिजिन से मिलाए, तो ये जो थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों के लिए आते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम लोग आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा एज्यूम कर सकते हैं। फिर ये एज्यूम करने के बाद में हम लोग यहाँ से ओरिजिन से जस्ट इसकी वैल्यू थीटा की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सो डोंट वरी। अच्छा, अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अगर थीटा दे रखा है तो यहां पे हमने ये देखा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो बार होता है उसका जो होता है वैल्यू वो होता है माइनस थीटा, ये हमने देखा, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ जेड इज यूनिमोड्यूलर, यूनिमोड्यूलर बोले तो जिसका मोड जेड जो है वो वन होएगा, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, देन फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड बार। और इसके मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, ए जो है वो थीटा, बी जो है वो माइनस थीटा, एंड सी जो है वो पाई बाई टू प्लस थीटा, डी जो है वो पाई बाई टू माइनस थीटा। ऐसे मैंने ऑप्शंस दे दिए, तो एक बार इसको आप लोग ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो जस्ट वीडियो को आगे चला लो, मैं सॉल्व करवा लूँ। सो यहाँ पे दे रखा है हम लोगों को कि मोड जेड जो है वो वन है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जेड जेड बार जो है वो ऑलवेज वन होगा, यानी कि जेड जो है वो जेड बार का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, जेड एंड जेड बार जो है वो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। और फिर हमें बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो दे रखा है इसमें थीटा, तो हमें फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस वन अपॉन वन प्लस जेड बार, इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जेड बार को हटाया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन जेड। तो हम लोग इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई लिख सकते हैं कि ऊपर जो है वन प्लस जेड आ जाएगा और नीचे वन प्लस वन अपॉन जेड, जेड बार की जगह। सो ये बन जाएगा जेड प्लस वन और ये वन प्लस जेड, और ये पूरा कट के आपका ऐसा बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मतलब हमारे पास में जो आर्ग्यूमेंट जिसका निकालना था वो था वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड बार। फिर इसने बोला था कि z जो है वो यूनिमोड्यूलर, तो यूनिमोड्यूलर के केस में इसका आर्ग्यूमेंट z के ही इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में निकल के आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो कि पहले से दे रखा है वो है थीटा। ये क्वेश्चन अपना जी मेंस शायद 13 या 14 का था आया हुआ है मेंस का। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ी प्रॉपर्टीज वगैरह है आर्ग्यूमेंट वगैरह की वो भी देख लेंगे, अगर कुछ रही भी है तो प्रॉपर्टीज वगैरह आर्ग्यूमेंट मॉड्यूलस वगैरह की, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कर लेंगे। थैंक यू।